दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूसीसी कंपनी के बारे में। यूसीसी कंपनी कैसी है, क्या यूसीसी कंपनी में आपको जानी चाहिए, यूसीसी कंपनी की क्या अच्छाई है और कहां कहां इसकी प्रोजेक्ट चल रही है, क्या सैलरी रेंज है, सब बताएंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले तो यूसीसी होल्डिंग कंपनी कतर बेस्ड कंपनी है, कतर में ही इसका कई सारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। यूसीसी कंपनी का मेन जो काम होता है बिल्डिंग बनाना, रोड बनाना, टनल बनाना, ब्रिज बनाना, ये सारा जो मेन काम होता है यूसीसी कंपनी का। कई सारे सिविल के भी काम चलते हैं और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का भी उसमें काम चलती है, तो कई सारे मैन पावर जो है काम करते हैं। कतर उसका जो है बेस है, यहाँ ही उसका जो है मेन जो हेडक्वार्टर है वो कतर ही है। कतर के अलावा सऊदी अरबिया और अभी रिसेंट में नया प्रोजेक्ट इराक में भी शुरू किया गया है, तो सऊदी अरबिया में भी एक प्रोजेक्ट है जो चलती है और इसके अलावा अभी इराक में भी शुरू किया है। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने दिखाया था कि इराक की रिक्वायरमेंट आई हुई थी, वो जो इराक की रिक्वायरमेंट आई हुई थी वो यूसीसी कंपनी का ही प्रोजेक्ट थी। तो यूसीसी जो है मेनली तीन जगह चलती है, कतर, सऊदी अरबिया और इराक में। वैसे देखा है तो मैंने एक और चीज़ देखा है कि मालदीव में भी कुछ इसके प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं जो कि बीच पे है, सी पे है। एक कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी है, कंस्ट्रक्शन के काम करवाती है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह का जो है काम लेती है और करवाती है। यूसीसी कंपनी बुरी नहीं है, यूसीसी कंपनी अच्छी है। कतर की अगर बात करें तो कतर की एक अच्छी खासी कंपनी है, सैलरी टाइम पर दे देती है, ठीक ठाक ही रहता सब कुछ है, रहने का खाने का ठीक ठाक रहता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, बट एवरेज में ठीक है, आ सकते हैं अगर आप आ रहे हैं या कहीं पे इसकी वैकेंसी चल रही है, तो यूसीसी कंपनी बुरी नहीं है, आप आ सकते हैं। दोस्तों यूसीसी कंपनी कंस्ट्रक्शन के साथ साथ कुछ मरीन की यानी समुद्र के जो ऑफशोर काम होती है वो भी थोड़ी बहुत लेती है, समुद्र पे जो ऑफशोर में काम होता है उसका काम भी पकड़ती है, बट मेन काम कंस्ट्रक्शन का ही रहता है। यूसीसी कंपनी की सैलरी रेंज के बारे में बात करूँ तो सैलरी बहुत इसका हाई नहीं होता है, बहुत लो नहीं होता है, एक मिड लेवल पे ही सैलरी रहती है, जो एक एवरेज या फिर जो मीडियम कंपनी की जो सैलरी होती है वही रहती है। अगर फ़र्ज़ करें कि अगर आप इलेक्ट्रिशियन में आ रहे हैं तो आपकी सैलरी 1200 से 1500 या 1600 के अंदर आपकी सैलरी होगी, इंस्ट्रूमेंट में है तो भी वो सही है, 1500 से लेकर 2000 के बीच में ही सैलरी इसकी रहती है। तो आप देख लीजिए अगर आप किसी भी पोस्ट पर आ रहे हैं तो यूसीसी कंपनी मतलब बुरी नहीं है, सैलरी टाइम पर देती है और रहने खाने का भी ठीक ही रहता है। कतर बेस्ड कंपनी है, कतर के अलावा सऊदी अरबिया में काम चलता है इसका और अभी नया प्रोजेक्ट इराक की भी शुरू हो रही है, तो इराक की भी इसकी रिक्वायरमेंट अभी चल रही है। अगर आप लोगों ने इंटरव्यू नहीं दिया है या फिर पता कर लीजिएगा, इराक की इसकी रिक्वायरमेंट अभी चल रही थी और मैंने जो है न्यूज़पेपर में दिया भी था कि यूसीसी होल्डिंग कंपनी की रिक्वायरमेंट इराक की अभी जो है इंटरव्यू कहीं पे चलने वाली है, तो अभी पता कर लीजिएगा अगर कहीं पे चल रही है तो इराक का जो जाके वैकेंसी है यूसीसी की, आप जाके उसे देख सकते हैं। बाकी मैं मुंबई की कई सारे ऑफिसर्स के बारे में दिखाता रहता हूँ, गल्फ कंट्री जॉब के बारे में दिखाता रहता हूँ, तो ऐसे ही आप जो है अपडेटेड वीडियो के साथ साथ हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें ताकि हम जो है इस तरह के वीडियो लाते रहते हैं और आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो बनाते रहते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको कुछ सीखने मिला हो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कई ऐसे व्यूवर हैं जो वीडियो देखते तो हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। मैंने को पैसे वगैरह चार्ज नहीं किया है, मैंने को प्रीमियम सब्सक्राइबर भी नहीं ऐड किया है, बस ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब भी इसे सब्सक्राइब करेंगे आपको और हमारा इस तरह का वीडियो या जो भी गल्फ से जुड़ा हुआ इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा वो आपको मिल जाया करेगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। जो भी आपको यूज़फुल चीज़ें होंगी आपको अपडेट मिलता रहेगा अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन को दबा दिया है। तो दोस्तों बस छोटी सी वीडियो में इतना ही, तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो साथ में। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।